देश भर में दो हफ्तों के लिए तीसरे चरण का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, किंतु देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं जहां लोग घरों में हैं, दूसरी तरफ लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ रक्षक सड़कों पर भी दिन रात अपना फर्ज निभा रहे हैं। वहीं अर्थ प्रकाश टीवी आज आपसे एक ऐसी ही हस्ती से मिलवा रहा है जो उन कोरोना वॉरियर्स में से एक है। जी हाँ, ये सज्जन कोरोना कवच बांटने के माध्यम से जनता की मदद कर रहे हैं। इनके हौसले को सबसे पहले अर्थ प्रकाश सलाम करता है। चलिए देखते हैं क्या कहना है इनका। हाँ सलीम जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ जी, कपड़े सिलने का। कब से? मुझे हो गए 30-35 साल के करीब हो गए। तो आपके मन में ये जो मास्क और बांटने का कैसे आया? मैंने देखा जो 25 तारीख को लॉकडाउन है ना, लोग बाग ऐसे ही फिर रहे जैसे कोई मास्क नहीं, किसी पे कपड़ा नहीं, कुछ भी। सबसे मैंने उसी दिन से कुछ चीजें बनाने शुरू कर दी मास्क। 26 तारीख को फिर मैंने लोगों को बांटे सड़कों पर। फिर उसके बाद से सबसे 5 कारीगर बैठे हमारे पास, मैं भी सिलता हूँ, हमारे यही काम चलता है। मैं फ्री में दे रहा सबको, सदर सेक्टर में भी दे दिए, जहाँ पे कोई बंदा मिलता उसको दे देता हूँ, कहीं खाना पड़ रहा है लैन से वहां दे देता हूँ। तो इसकी जो पेमेंट है कहाँ से लगते इतना पैसा, कितना खर्च उसका अब तक? जो मेरे पास था ना मैंने सारा लगा दिया, जितना मैंने काम करा था, मैं जोड़ रखे थे मैंने, जितने भी सब इसी में लगा रहा मैं जो भी है। तो कहाँ पे काम करते हो आप? मैं अभी फिलहाल 70 सेक्टर में नॉर्मल कर रहे हैं, कारीगर बैठे 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। तो कब से सिलाई का काम कर रहे हो? ये मास्क सिलने का जी? नहीं, जो सिलाई का काम है। सिलाई का मुझे 35 साल हो गई करते हैं। तो शुरू से वहाँ पे हो? बचपन है नहीं, पहले मुझे यूपी में करते थे, पहले धनास में आया हूँ, धनास में हो गया मुझे 20 साल। तो आपके धनास में तो कहा गया पॉजिटिव केस आ गए, तो आप बचाओ जो घूम रहे हो, तो अगर किसी की कैसे उसका ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।